एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अमेज़ॉन से खरीदे हुए मेरे कुछ कुर्तीज दिखाने वाली हूँ और ये आपकी रिक्वेस्ट में आए हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो लिपस्टिक लगा रखी है मैं उसका रिव्यू हॉल वीडियो आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। मैंने बहुत सारा मेकअप परचेज किया है और ये जितना भी मेकअप है इसका इंडिविजुअल हॉल वीडियो बना हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, एक बार आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो ये है 5 लिप क्रेयॉन्स मेरे पास में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये वाला जो लिप क्रेयॉन है ये मैंने अभी अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है। लिप क्रेयॉन की पैकेजिंग आप देख लीजिए, बहुत ही लग्जूरियस और बहुत बढ़िया इसकी आउटर पैकेजिंग है। ये पर्पल का लिप क्रेयॉन है और इस तरीके से ये लिप क्रेयॉन ओपन हो जाता है। शेड रेंज बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट जो लिप क्रेयॉन है इसकी क्वालिटी इसके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये नॉन ट्रांसफ़र प्रूफ है, यानी कि ये इतना ईजीली खाने पीने के बाद में ट्रांसफ़र नहीं होता है। लॉन्ग लास्टिंग है तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके लिप्स पे से जल्दी नहीं हटेगा। ये न्यूली लॉन्च लिप क्रेयॉन है, इसमें मेरे पास में 5 शेड्स हैं और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट, बहुत स्मूथ लिप क्रेयॉन है कि इजीली आपके लिप्स पे ग्लाइड हो जाता है। वेलवेटी मैट इसका फिनिश है तो आपको लिप्स पे कोई भी लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिप्स को सुखाएगा बिल्कुल भी नहीं, इनफैक्ट ये इतना स्मूथ लिप क्रेयॉन है कि ये आपके लिप्स को क्रैक भी नहीं करेगा। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना, हमने लिपस्टिक लगाई और 3-4 घंटे बाद ना उसमें सेंटर में ना आप ये देखेंगे लाइन्स आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, तो वो भी आपको इशू इसमें फेस करने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वाला लिप क्रेयॉन है ये। और इसमें ये देखिए, एक ये मैंने रेड कलर लिया है, ये थोड़ा सा पिंक है, ये रेड है, ये थोड़ा सा पिंकिश है, रेड है। और इसमें मैंने 2 न्यूड शेड्स भी लिए हैं। आपको पता है मुझे वैसे भी ब्राउन शेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से कॉफ़ी शेड है और एक ये वाला स्लाइटली न्यूड शेड है। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, तो आप खाए पिए कुछ भी करें बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और मैं आपको यही है, हर बार की तरह मैं अपने हर हॉल वीडियो में आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, बस इतना से यहाँ लगा है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि मैंने कितना तेज किस किया था। एक बार फिर कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो एक किसी तो आप लोगों के लिए भी बनती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, सिर्फ ये 2 डॉट्स लगे हैं, इतना सा ट्रांसफ़र हुआ है ये। तो सोचिए कितना अच्छा और ड्यूरेबल लिप क्रेयॉन है ये, बहुत अच्छा है। प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी हमें रिसीव हो रही है लिप क्रेयॉन में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डेफिनेटली आपको ये लिप क्रेयॉन्स भी हाईली रिकमेंडेड है, एक बार आप अपने लिए ट्राई ज़रूर कीजिए। शेड रेंज अच्छी है, तो अगर आप ब्राइड हैं, अपना किट रेडी करने की सोच रही हैं, तो लिप क्रेयॉन्स तो मस्ट हैव है एक मेकअप किट में, तो ये तो होने ही चाहिए। तो 1-2 शेड्स इसमें से आपके लिए पसंद कर लीजिए, चाहे तो जो मेरे फेवरेट शेड्स मैं दिखा रही हूँ इसमें से 1-2 अपने लिए पिक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हॉल को स्टार्ट करती हूँ मैं, और मैं आपको सबसे पहली कुर्ती दिखाती हूँ। ये वाली जो कुर्ती है येलो कलर की, ये मैंने हॉल में डाली थी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे लिंक भी मांग लिया। ये गुलमोहर की कुर्ती है, ये मुझे सिर्फ 400 रुपीज़ में मिली, और ट्रस्ट मी 400 रुपये के हिसाब से इस कुर्ती की जो क्वालिटी हमें रिसीव हो रही है ना, वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी रिसीव हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरीके से येलो कलर का बेस है, कॉटन का कुर्ता है, कॉटन रेयन ब्लेंड मटेरियल है, देखते हैं 3/4 इसकी इस तरीके से स्लीव्स है। और ये जो सेम प्रिंट है आपको ऑल ओवर कुर्ती में मिलता है, घेरदार अनारकली कुर्ती है। गुलमोहर की कुर्तीज़ आप जानते हैं वैसे भी फेमस है घेर के मामले में, तो अच्छा खासा आपको अनारकली कुर्ते में घेर मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको इस अनारकली कुर्ते में इस तरीके से बॉर्डर मिल जाता है, और पीछे की तरफ भी आपको सेम ये जो है प्रिंट मिल जाता है। 400 रुपये में मैं बोलूँगी गुलमोहर की ये अब तक की दी बेस्ट कुर्ती है। इसमें 2 कलर और है, एक सी ग्रीन कलर है और एक थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप कलर है, लेकिन उनमें साइजेस ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसका साइज अवेलेबल हो वो उनमें भी ले सकता है अगर वो कलर पसंद आए तो, वरना ये तो कुर्ती बहुत बढ़िया कुर्ती है। 400 में इससे आप मिस मत कीजिए, ये बहुत बढ़िया, और मटीरियल A1 है इसका, बहुत अच्छी रिसीव हुई है। इसके बाद में एज यूजुअल रंगमंच मेरा दी मोस्ट फेवरेट ब्रांड
ब्रांड है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर की कुर्ती है ये। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मीडियम साइज में मैंने लिया क्योंकि इसकी स्टार्टिंग ही मीडियम से थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इस कुर्ती पे प्रिंट है लीफी लीफी वाला, और सेंटर में ये बटन्स हैं। और ये हम देख लेते हैं कि सारे ओपन होते हैं कि नहीं। तो ये बटन्स जो हैं, यस ये ओपन हो जाते हैं, तो आप आराम से अपना सर डाल सकते हैं, आपका हेयर मेकअप नहीं बिगड़ेगा। और इस तरीके से डेली वेयर के हिसाब से कुर्ती अच्छी है। 3/4 इसकी स्लीव्स है और पीछे की तरफ भी आपको सिमिलर प्रिंट मिल जाता है। अच्छी वाइब्रेंट कलर की कुर्ती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग कुर्ती नहीं है। ये जीन्स के ऊपर भी कुर्ती पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी, लेगिंग के ऊपर भी पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगेगी। तो अगर आप कॉलेज जाती हैं, आप पहनना चाहें एवरीडे वेयर बेसिस पे, तो भी पहन सकती हैं। और अगर आप ऑफिस जाती हैं तो भी ये कुर्ती काफ़ी अच्छी लगेगी, डिसेंट भी लुक देती है और ज़्यादा डल कलर भी नहीं है, तो थोड़ा खिला खिला सा लगेगा तो आपको भी पहना हुआ अच्छा लगेगा। तो ये कुर्ती भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और ये भी मुझे शायद कितने की है, ये 699 की है और ये मुझे कुछ अराउंड 427 कुछ की पड़ी थी। जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा ना, मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। पर ये भी बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली थी, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। इसके बाद में ये वाली भंदेज की कुर्ती है, आप ये देख सकते हैं। इस कुर्ती के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये कुर्ती दीदी आपने कहाँ से ली है, तो ये भी कुर्ती मैंने अमेजोन से ही ली है। और ये कुर्ती जो है मैंने अमायरा ब्रांड की ली है, इसमें मैंने मीडियम साइज़ लिया है क्योंकि इस ब्रांड को मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। लेकिन इसमें अपन को स्मॉल लेना है अगर आपकी हेल्थ मेरे जैसी है, अगर आप मेरे जैसे मोटे हैं तो आपको इसमें स्मॉल साइज़ लेना है क्योंकि अपने को मीडियम साइज़ लूज आएगा इसमें। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से ये भंदेज की कुर्ती है, इस तरीके से इसका प्रिंट है, अनारकली कुर्ती है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो शोल्डर में आपको ये राउंड वाला कट मिलता है, तो थोड़ा सा आपका जो शोल्डर है वो इसमें से दिखेगा। इसकी भी 3/4 स्लीव्स है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से भंदेज का प्रिंट है जो कुर्ती में आपको मिल जाता है, और अच्छा वाला घेर है कुर्ती में। और पीछे की तरफ भी आपको इसी तरीके से प्रिंट मिलता है भंदेज का। और सेंटर में इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको नेकलाइन पे बटन्स मिल जाते हैं जो कि सारे के सारे एंड तक ओपन हो जाते हैं। तो आपको अगर ब्रेस्ट फीडिंग के हिसाब से कोई कुर्ती चाहिए हो तो इसके सारे बटन्स ओपन हो जाते हैं, तो आराम से आप अपने बेबी को फीड भी करा सकते हैं। तो ये कुर्ती भी आपके लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से। और ये कुर्ती मुझे कुछ अराउंड 600 रुपीस की मिली है, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको ये कुर्ती पसंद आ रही हो तो आप इसे अराउंड 450 या 500 रुपीस तक का लीजिए, क्योंकि इसका जो क्लॉथ क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ है, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये कुर्ती हमें 500 रुपीस में मिलती तो ये उसके हिसाब से काफ़ी ठीक रहती। 600 थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, पसंद आए तो 600 रुपये में भी ले सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि अगर काफ़ी पसंद है तो अपकमिंग सेल में इसका प्राइस कभी कभार तो डाउन हो ही जाता है, तो तब आप इस कुर्ती को ले सकते हैं, तब ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में हमें ये कुर्ती मिल जाएगी। इसके बाद में रंगमंच की एक और कुर्ती है जो मैंने परचेज किया। आपको तो पता है कि रंगमंच मेरा दी मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये येलो कलर की कुर्ती है और इस कुर्ती में आपको नेकलाइन में इस तरीके से यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, और नेकलाइन में आप देखेंगे तो आपको ये दो टैसल्स भी लटके हुए मिल जाते हैं। ऑफिस कॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट कुर्ती है, और अगर आपको थोड़ा इंडियन टच की कुर्ती पहनना पसंद है तो ये रंगमंच की कुर्ती आप डेफिनेटली बाय कर लीजिए, ये बहुत अच्छी लगेगी पहनी हुई। और इस तरीके से स्लीव्स है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाती है एम्ब्रॉयडरी दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। नीचे की तरफ से ये कुर्ता ऑल ओवर प्लेन है, लेकिन इसकी जो कॉटन की क्वालिटी है वो क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। लेकिन आप रंगमंच की कुर्तियों को ना चेक करते रहिए, रंगमंच में एकदम से प्राइसेस डाउन होके ना अच्छी अच्छी कुर्तियाँ ना 300 350 में हो जाती हैं, 400 के अंदर हो जाती हैं, तो आप चेक जरूर करते रहिए एकदम। अब ये वाली कुर्ती जो है ये तिरशा ब्रांड की कुर्ती है, तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए, आपको नेकलाइन में ना बहुत बढ़िया वाली एम्ब्रॉयडरी मिलती है। क्लोज लुक में आपको देती हूँ तो इस तरीके से आप ये देखिए, आपको ना फ्लावर मिलते हैं ऑल ओवर कुर्ती में। अच्छे से आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से ना फ्लावर्स है ना जो एम्ब्रॉयडरी के, ये आपको ऑल ओवर कुर्ती में मिलते हैं। और इस तरीके से ये जो कुर्ती ना, इसमें इस तरीके के बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं। त्रिशा ब्रांड
पार्टी वेयर कुर्तीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। पेंटालूंस का ब्रांड है ये, और ये पेंटालूंस में बिकता है। और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको एम्ब्रॉयडरी पूरी की पूरी जो फ्लावर्स हैं ये आपको इस तरीके से स्लीव्स वे में मिलते हैं, और साइड में आपको लूपी लगी हुई मिलती है। पीछे की तरफ ये कुर्ती टोटली प्लेन है, अंदर की तरफ इस कुर्ती में आपको लाइनिंग भी मिल जाती है। अच्छा सिल्क रिच मटेरियल की ये कुर्ती है, बहुत बढ़िया कुर्ती है। किसी भी डे टाइम के फंक्शन के लिए ये कुर्ती टोटली परफेक्ट है। ये कुर्ती सेल में आपको 800 से लेके 1100 रुपए के बीच में किसी भी प्राइस में आपको आसानी से मिल जाती है। फिलहाल ये तो अभी मुझे कुछ 1000 रुपीज़ की पड़ी है, और ये कुर्ती मेरी दी मोस्ट फेवरेट कुर्ती है, तो मैंने आँख बंद करके इसे बाय कर लिया। ये कुर्ती बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती है, पहनी हुई सारी ही कुर्तियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। आप इनमें से कोई भी कुर्ती चाहें तो परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी पहनी हुई। आई होप आपको ये हॉल वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।